राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बारे में, गरम दल के नेता। देश की आज़ादी में जो अपनी जान तक हंसते हंसते फिदा कर दी थी इन्होंने, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जो है देश सेवा के लिए अपनी प्राणों तक की आहुति दे दी। इनका एक नारा था कि मैं अपना कतरा कतरा जो है देश की आज़ादी के नाम कर दूंगा। 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म जो है 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिला में हुआ था। पिता लाला राधाकृष्ण अग्रवाल PCC अध्यापक और उर्दू के जो है प्रसिद्ध लेखक थे। लेखन और भाषण में ये भी जो है काफ़ी रुचि लेते थे। हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की थी लाला लाजपत राय ने। स्वराज्य लेना चाहते थे 1897 और 1899 में देश में आए अकाल के लिए पीड़ित तो काफ़ी मदद की थी इन्होंने। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो लाला लाजपत राय ने जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल के साथ हाथ मिला लिया। अंग्रेज जो है इनकी लोकप्रियता से काफी डरते थे। 1914 से लेकर 20 तक इनको भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई। लाल बाल और पाल ये जो है गरम दल के भी नेता थे। मोमरियन लीग की स्थापना इन्होंने की थी। 1920 में भारत आए और इनकी लोकप्रियता आसमान छू चुके थे। असहयोग आंदोलन में इन्होंने साथ दिया। साइमन कमीशन का विरोध किया। अंग्रेजों वापस जाओ का नारा इन्होंने ही दिया था। अंग्रेजों ने इन पर जो है लाठीचार्ज किया। और इनका जो है 1928 में देहांत हो गया। इनकी एक महीने मृत्यु के एक महीने बाद ही जो है सांडर्स को जो है पुलिस अधिकारी को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने गोली से उड़ा दिया।